Hello students, I am a new teacher of science at British Public School. Students, a teacher acts like a bridge between you and your success. He can show you the path, but it is only you who have to walk on that path with hard work and strong determination. And if you do so, then no one in this world can stop you from achieving success in your life. Now, before start teaching, let me introduce myself to you. I am Tejveer Sehrawat. I am a BSc and double postgraduate in PGPM and MBA from International Business and Marketing. I promise that I will make learning science a unique experience to you guys by explaining every concept in an easy and interesting way. और जब आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में बन जाता है तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है. जैसा कि साइंस माना जाता है कि एक टफ सब्जेक्ट है, बट जब इसको आप समझ के करोगे, रटोगे नहीं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा समझना. तो आइए साइंस को समझते हैं एक यूनिक तरीके से और एक इंटरेस्टिंग वे में. लेट्स स्टार्ट. केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करके हमें केमिस्ट्री को पढ़ना है. एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें बेसिक लॉज, बेसिक कंसेप्ट होते हैं केमिस्ट्री के. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है उस चीज से रिलेटेड स्टडी करनी है आपको. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना होता है. तो देखिए, जैसे बायोलॉजी को सबसे पहले बताया था अरस्तु ने, इसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं. एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब दोज कंसेप्ट. ऐसे ही फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. तो केमिस्ट्री के बारे में वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बताया वो थे लैवोसिए, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है. वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे. दिमित्री मेंडलीव थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दी. उसके बाद मैडम क्यूरी और हेनरी बैकरेल जैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया. बट वो साइंटिस्ट जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है वो थे लैवोसिए. आर साइलेंट है इसमें, इनको प्रोनाउंस करेंगे लैवोसिए. तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था इनका, तो इन्होंने कंबशन यानी दहन की, जलने के लिए किसी भी चीज को जलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये इन्होंने सबसे पहले बताया था. और भी बहुत सारे योगदान थे इनके केमिस्ट्री में, जैसे सिलिकॉन की खोज करने में इनका योगदान था. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो नाम दिया था वो इन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका, तो इनको इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री को आपने तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इसमें पढ़ते क्या है ये सबसे पहले चीज पता होनी चाहिए. भाई तीन भागों में तो पढ़ेंगे, बट इसमें होता क्या है. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, अबाउट द वे अ मैटर रिएक्ट्स टू अनदर मैटर एंड इट्स कंपाउंड्स. तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है. स्टेट्स के बारे में मैटर्स यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में, रिएक्शन कैसे करता है, कंपाउंड और स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, इन सब के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ना है. अब आपने पढ़ा होगा, अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम दिस कंसेप्ट राइट फ्रॉम क्लासिक्स. आप क्लासिक्स से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, उनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं. और चलिए पहले इन तीन अवस्था को बात करते हैं. सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर क्या होता है, किस चीज के बेस पे अंतर किया जाता है. आपने तीन कंसेप्ट याद रखने हैं, एक शेप या साइज, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा डेंसिटी.
किसी भी चीज की अगर डेंसिटी आपको पता करनी हो तो वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी यानी घनत्व। तो डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। शेप और साइज फर्स्ट अगर कंसेप्ट की बात करते हैं तो तीन चीजों के आधार पे आपने इन चीजों को डिवाइड करना है, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को। सॉलिड की अगर बात करते हैं तो फिक्स्ड होता है शेप भी और उसका साइज भी। वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, और डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो वो काफी हाई होती है। शेप और वॉल्यूम फिक्स, डेंसिटी हाई, तीन बेसिक कंसेप्ट जो इसके बारे में याद रखने हैं। लिक्विड की अगर बात करते हैं तो देखो वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स्ड होता है लिक्विड का, और शेप और साइज क्या होते हैं, नॉट फिक्स्ड। शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होते हैं। डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम, लेस देन सॉलिड्स। तो ठोस जो चीजें होती हैं उनसे कम होती है लिक्विड की। गैसेस की अगर बात करते हैं तो ना तो फिक्स शेप साइज होता है उनका, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी होती है वो वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। अब ये तीन चीजें आपने पढ़ी हैं, इन तीन चीजों के बेस पे एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो वो पूछ सकता है कि सॉलिड आर द थिंग्स विच हैव फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, और लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। तो कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है आपसे, बट इफ यू नो द कंसेप्ट देन इट विल बी वेरी इजी टू आंसर दैट। नेक्स्ट, तीन चीजें आपने पढ़ ली थी, बट अब आपने याद रखनी है दो और अवस्थाएं। दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट इन विच वी स्टडी मैटर नॉट ओनली इन थ्री स्टेट्स बट इन फाइव स्टेट्स। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, प्लाज्मा, एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है, देखिए जितने भी हमारे स्टार्स हैं या जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, या ऑरोरा एक फिनोमेना होता है, ऑरोरा। अर्थ है फाइव एटमॉस्फेयर लेयर्स, नेमिंग ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और मैग्नेटोस्फियर, एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। तो इसमें से जो मैग्नेटोस्फियर होती है, और उसमें जब सोलर विंड्स आती हैं, सूरज से हवाएं जो होती हैं, वो क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और जब मैग्नेटोस्फियर में आती हैं, एंट्री करती हैं, तो वो एक शाइन यानी एक चमक पैदा करती हैं, और उस चमक को कहा जाता है नदन लाइट या सदर्न लाइट, नदन या सदर्न लाइट। नदन या सदर्न लाइट का उसे नाम दिया जाता है, क्यों, क्योंकि या तो ये उत्तर दिशा में होती है या दक्षिण दिशा में होती है, तो इसलिए। तो स्टार्स, लाइटनिंग, ऑरोरा और इन सब चीजों में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई चार्ज आ जाता है, तो मोशन में होते हैं हाई टेम्परेचर होने के कारण, लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए पदार्थ की इस अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, मोस्टली स्टार्स हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, तो किस कंडीशन में होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, वो प्लाज्मा के स्टेट में होते हैं, ये आपने याद रखना है। एंड द नेक्स्ट वन इज बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। इन 1924 एन इंडियन साइंटिस्ट नेम सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस, एक्सप्लेन दैट एट वेरी लो टेम्परेचर द पार्टिकल, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, will be in the condition of hibernate. Hibernate होता है कि जब कोई movement ना हो, hibernate is a word जिसका meaning होता है कि शीत निद्रा, यानी बहुत लंबी नींद में चले जाएं जब आप। तो जितने भी particle होते हैं वो क्या होते हैं, चाहे वो आप किसी gas के particle हैं,
तो वो क्या होते हैं, जैसे नॉर्मल क्या होता है, गैस के पार्टिकल मूव करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मूवमेंट नहीं होती है इतने कम टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कि अत्यंत कम तापमान पर, बहुत कम तापमान पर, टेम्परेचर पर जो मूवमेंट है आयंस की वो बंद हो जाती है, फ्रीज हो जाते हैं, और वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस या जीरो केल्विन। रिमेंबर केल्विन इज द एसआई यूनिट इन विच वी मेजर टेम्परेचर, तापमान को मापने की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। तो जीरो केल्विन होता है -273 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इतने कम टेम्परेचर पे जो मोशंस होता है पार्टिकल्स का, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है, तो पदार्थ की उस अवस्था को कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि एस एम सतेंद्रनाथ बोस ने एक कंसेप्ट दिया था, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम बोस पड़ा है। आइंस्टीन की थ्योरी से मिला के भी इन्होंने काम किया था, तो इसलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको नाम दिया जाता है। कंडेंसेट इज अ वर्ड जो जिसका हिंदी में मतलब होता है संघनन, और जो बारिश होती है ये भी कंडेंसेशन के कारण ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वाटर वेपर्स जो होते हैं कंडेंसेट होते रहते हैं, ठंडे होते रहते हैं, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है तो कंडेंस होते रहते हैं, तो कंडेंसेशन के कारण जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड में बन जाते हैं और फिर वाटरफॉल यानी जो रेन्स के रूप में नीचे आते हैं, अर्थ तक आते हैं, तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर किसमें बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था का नाम एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, तो वो स्टेट है उसकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन करे कि स्टार्स में जो स्टेट होती है वो किस अवस्था में होती है, सॉलिड लिक्विड गैस या प्लाज्मा के रूप में, तो यू कैन आंसर दैट वेरी क्लियरली। तो रटना नहीं है, समझ के करना है, दैट इज माय ओनली मोटो, एंड दैट्स व्हाई आई प्रॉमिस दैट लर्निंग केमिस्ट्री विल बी अ वेरी इजी टास्क फॉर यू गाइस। अब नेक्स्ट जो होमवर्क आज का आपके लिए रहेगा, इस स्टेट्स ऑफ मैटर को याद रखना इसके अलावा, वो है कि देखिए पीरियोडिक टेबल जब तक आपको नहीं आएगी, एलिमेंट्स नहीं आएंगे, आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, तो ज्यादा नहीं 118 एलिमेंट है हमारे, 118 में से आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके नेम, उनके एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल याद करने हैं, आज के लिए सिर्फ इतना काम है। तो उनके 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, तो 1 से लेके 20 तक आप एक पेज पे काउंटिंग लिख लीजिए, और फिर सीक्वेंस वाइज हर एलिमेंट को हम याद रखेंगे। फर्स्ट जो एटॉमिक नंबर होता है जिस एलिमेंट का, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम कैसे नोट करते हैं, इसका सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, तो कैपिटल एच से नोट किया जाता है हाइड्रोजन को। सेकेंड नंबर पे जो एलिमेंट होता है वो होता है हीलियम, हीलियम को नोट करते हैं कैपिटल एच स्मॉल ई। थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट है उसका नाम है लिथियम, लिथियम को नोट करते हैं कैपिटल एल स्मॉल आई। फोर्थ नंबर पे जो एलिमेंट है वो है बेरिलियम, और उसको नोट करते हैं बी ई से। फिफ्थ नंबर पे जो एलिमेंट है वो है आपका बोरॉन, नोट करते हैं कैपिटल बी सी। सिक्स्थ नंबर पे जो एलिमेंट है वो है कार्बन, और उसे नोट किया जाएगा कैपिटल सी से। सेवंथ नंबर पे जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, उसे नोट किया जाएगा कैपिटल एन से। एट्थ नंबर पे है आपका ऑक्सीजन, उसे नोट किया जाएगा कैपिटल ओ से। नाइन्थ नंबर पे है फ्लोरीन, नोट किया जाएगा कैपिटल एफ से। और टेंथ नंबर पे है नियोन, उसे नोट किया जाएगा कैपिटल एन और ई से।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये इंपॉर्टेंट है 10 तक याद करने। अब 11th नंबर पे जो आएगा उसे कहेंगे सोडियम। इसका सिंबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोडियम को नोट करते हैं कैपिटल N और स्मॉल a से। सोडियम के बाद 12th नंबर पे जो आएगा वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को नोट किया जाएगा कैपिटल M और स्मॉल g से। 13th नंबर पे जो आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को नोट किया जाएगा A और L से। 14th नंबर पे आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन को नोट किया जाएगा Si से। 15th नंबर पे आएगा फॉस्फोरस। उसे नोट किया जाएगा P सिंबल से। 16th नंबर पे आएगा सल्फर। सल्फर को नोट किया जाएगा कैपिटल S से। सल्फर के बाद 17th नंबर पे आएगा क्लोरीन। क्लोरीन को नोट किया जाएगा कैपिटल C और स्मॉल L से। 18th नंबर पे आर्गन। आर्गन को नोट किया जाएगा A और R से। 19th नंबर पे आएगा पोटाशियम। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है सोडियम और पोटाशियम, क्योंकि इनके नाम से जस्ट अपोजिट है इनके लेटर, ये ध्यान रखिएगा। पोटाशियम को कैपिटल के से नोट किया जाएगा। और 20th नंबर पे जो एटॉमिक नंबर होता है जिस एलिमेंट का वो होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम को नोट किया जाएगा कैपिटल सी और स्मॉल ए से। तो एटॉमिक नंबर इन सब के याद करना और इनके सिंबल याद होना बहुत जरूरी है। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगेन हम इसको एक बार मेमोराइज करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। तो ये 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद रखने, इसके सिंबल याद रखने, 2 या 3 बार इसको लिख के देखना है। बहुत इजी है याद करना। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके एटॉमिक मास के बारे में भी बात करेंगे, बेसिक रूल हैं जो केमिस्ट्री के उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड अगेन आई प्रोमिस स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री को हम बड़े ही एक इंजॉयफुल तरीके से याद करेंगे। रटना नहीं है, समझ के करना है। बहुत इजी वे में हम सारी चीजों को याद करेंगे। तो होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम।